राजस्थान में इन दोनों नेताओं के बीच शीत युद्ध जारी है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बुलाने या नहीं आने को लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन अब ये दोनों नेता यूपी में अगल बगल की सीट पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने उत्तर प्रदेश की दो सबसे महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ दिनों से अमेठी सीट पर चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी की सीट रायबरेली पर चुनावी मोर्चा संभाला है। दरअसल सचिन पायलट का रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले सचिन पायलट वायनाड की सीट पर भी राहुल गांधी के लिए चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से उन्हें रायबरेली का जिम्मा सौंपकर उन पर अपना भरोसा व्यक्त किया है। इन दोनों नेताओं के अलावा राजस्थान के करीब दो दर्जन नेता अमेठी और यूपी की अलग अलग सीटों पर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस वक्त यूपी में रायबरेली और अमेठी की सीट के साथ गांधी परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। यही वजह है इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने सबसे अनुभवी नेताओं को चुनावी कमान सौंपी है। गहलोत पायलट का इन दोनों सीटों पर चुनावी प्रचार इसी ओर इशारा कर रहा है। ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों सीटों के चुनावी परिणाम इन दोनों नेताओं के सियासी भविष्य को तय करेगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।